दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जो कि मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस है महिंद्रा का सर्विस सेंटर से। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था पहले, लेकिन पिछले कुछ महीने से महिंद्रा के सर्विस सेंटर मेरे साथ जो जो कर रहा है, फाइनली मैं मजबूर हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा जो सर्विस सेंटर है, मैं जहाँ से कार खरीदा था और जहाँ पर उसी कार के शोरूम के सर्विस सेंटर है, जो कि आप नाम सुने होंगे, सुप्रीम मोटर्स कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसको जो कि वेस्ट बंगाल का हावड़ा में है, जिसको महिंद्रा का ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर कहा जाता है। तो यह सर्विस सेंटर पिछले कुछ महीने से मेरे कार के साथ मेरे साथ कुछ ऐसा कर रहा है कि मैं ना चाहते हुए भी आज मजबूर हो गया हूँ कि इस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है आपके सामने। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस जो पहले है, जो मैं फेस कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। जब भी मेरा कार को मैं इस सर्विस सेंटर में सर्विस करने ले जाता हूँ, और या फिर ले गए थे पिछले कुछ महीने में, तो इनका एक वर्स्ट टाइप बिहेवियर, इनका एक एबनॉर्मल बिहेवियर मुझे देखकर बहुत ही हैरान हो गया हूँ मैं, कि जब मेरा कार सर्विस के टाइम पर कार शोरूम के अंदर सर्विस सेंटर के अंदर सर्विस होता है, तो जब भी मैं एक कार ओनर हूँ दोस्तों, अब मुझे लगता है कि कार ओनर के नाते मेरा मुझे पूरा हक है कि अगर किसी टाइम में मुझे सर्विस के टाइम पे अपने कार को देखना है, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमें अपने कार के पास ले जाए जहाँ सर्विस हो रहा है उसका, हम भी देखें अपने आँखों से कि हमारे कार का जो सर्विस हो रहा है वो ठीक तरीके हो रहा है कि नहीं, जो जो पार्ट्स चेंज हो रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो ये सभी सर्विस सेंटर से एक एक्सपेक्टेशन किया जाता है, एक कार ओनर होने के नाते हम कोई चोर या डकैत तो नहीं है दोस्तों, कि हम सर्विस सेंटर के अंदर जाके उसका सारे जो पार्ट्स है, सर्विस सेंटर का कार है, सब लूट लेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम सर्विस सेंटर में ओनर के नाते हमें पूरा हक है कि सर्विस सेंटर के अंदर हम जाए, हमारे कार का ठीक तरह से सर्विस हो रहा है कि नहीं, जो मैकेनिक कर रहा है कि सर्विस कर रहा है वो ठीक तरह से कर रहा है कि नहीं, हमें देखने का पूरा हक है दोस्तों। तो मुझे जब भी इस सुप्रीम मोटर्स कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड सर्विस सेंटर जो है, इसके अंदर जब भी जाने की कोशिश करता था, मेरा सारा कार सर्विस के टाइम पर, तो हमेशा कोई ना कोई आके मुझे रोक देता था। मुझे एक ही बात बोला जाता था कि जाइए, आप वेटिंग रूम में बैठिए, हमें अंदर जाने का परमिशन नहीं है, आपको ये अलाउ नहीं। तो मैंने उनसे पूछा भी था, आपका सर्विस सेंटर के रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा कुछ है क्या कि कार ओनर अंदर नहीं जा सकता, कार का सर्विस हो रहा है कि नहीं एक्चुअली, या फिर नहीं हो रहा है, ये हमें देखने का हक है ही नहीं, आपका ऐसा रूल्स है आपका सर्विस सेंटर का? उन्होंने कुछ कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। तो मैं बार बार मेरे साथ ये हो रहा था, जब भी सर्विस सेंटर के अंदर सर्विस कार को सर्विस के वक्त ले जाता था, जब भी मैं अंदर जाने की कोशिश करता था, कोई ना कोई आके मुझे रोक देता था। मुझे एक ही बात कहा जाता था कि अब जाइए वेटिंग रूम में बैठिए, वेट कीजिए, आपका कार होने पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऐसा बड़ा एक ऐसा लंबा एक बिल पकड़ पा देता था, हमारे हाथ में दे देता था कि ऐसा बिल है, बिल भर दीजिए सर, इतना इतना सब चेंज हो गया। वाकई में वो चेंज हो रहा है कि नहीं, अल्टीमेटली वो चेंज हो रहा है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। सर्विस सेंटर में अगर कार सर्विस के टाइम पर में देखने का हक ही नहीं है, हमारे कार के साथ क्या छेड़खानी हो रहा है, आगे वाकई में सर्विस हो रहा है कि ठीक तरह से नहीं, पूरी इंजन ऑयल डाल रहा है कि नहीं, इसके बावजूद भी हमें ऐसा एक बिल पकड़ देता था दोस्तों, हमारे हाथ में ऐसा एक बिल वो दे देता था, सर जाइए कैश काउंटर में जाइए और ये बिल को भर दीजिए। तो मेरा यही बोलना है दोस्तों कि कोई भी सर्विस सेंटर अगर सर्विस के टाइम पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हर वक्त कार के सर्विस के टाइम पर वहां खड़ा रहूं, जब भी मुझे भी एक हक है ओनर होने के नाते कि मैं सर्विस सेंटर के अंदर जाऊं, मुझे जब मन करे मैं कार को देखूं, फिर ठीक है मेरा सर्विस हो रहा है, मैं फिर वेटिंग रूम में आकर बैठ जाऊं। लेकिन जब भी अंदर जाने की कोशिश करता था, वो लोग हमेशा मुझे रोकते थे और एक ही बात हमारे उनके मुंह में आते थे, जाइए सर वेटिंग रूम में बैठिए, आपको परमिशन नहीं है अंदर जाने का। जब मैंने पूछा कि कोई आपका ऐसा रूल्स है, उन्होंने कुछ नहीं बता पाया। मैं एक बात आज दावे के साथ कहता हूं, मैं महिंद्रा को यह दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उन तमाम सर्विस सेंटर के बारे में बोल रहा हूं, और खास करके मेरा यह सर्विस सेंटर सुप्रीम मोटर्स कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड, इनका मैं दावे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, इनका जो मैकेनिक्स है वो एकदम चीप क्वालिटी का मैकेनिक्स है दोस्तों, उनका काम एकदम चीप क्वालिटी का है।
मतलब आप अगर कोई आपके कार के प्रॉब्लम उनके पास सॉल्व के लिए जाओ, सॉल्व करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करके एक दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने लाकर खड़े कर देते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं कहूंगा, जैसे कि मुझे जब मेरा कार रोड पर चलते वक्त एक बार लोकल रोड में छोटा सा डेंट हो गया था एक दूसरे कार से टक्कर होने की वजह से, तो मैं जब उस डेंट को रिपेयर करने गया दोस्तों उस सर्विस सेंटर में, उन्होंने बोले कि कार को 2 दिन रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है 2 दिन रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस सेंटर ओरिजिनल है, जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं कार को वहां पर छोड़ दिए थे, मतलब सर्विस सेंटर में 2 दिन के लिए। तो 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि आपके रिपेयर हो गया सर डेंट, आप कार को आकर ले जाइए। मैंने जब सर्विस सेंटर में रिटर्न किया दोस्तों, तो मैंने देखा मेरा डेंट तो वाकई में ठीक हो गया है, लेकिन मेरे कार के बोनेट के ऊपर, कार के मतलब इस पोर्शन में बाहर, यहाँ पर इस ये इस पोर्शन में और पीछे सब स्क्रैच है, स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, इतना सारा स्क्रैच। मैंने जब पूछा, मेरा जब कार दिए थे मैंने सब चेक किए थे आपके साथ, कोई स्क्रैचेस नहीं था, तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बोला कि सर ठीक है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, ऐसा है कि उन्होंने लोग माइक्रोफाइबर भी यूज नहीं करते, नॉर्मल तरीके का क्लॉथ यूज करते हैं। सर्विस सेंटर में ऐसा एक्सपेक्टेशन थोड़ी किया जाता है दोस्तों, घर में हो तो चलता है, सर्विस सेंटर में आप कार को ठीक करने जाते हो तो वो लोग स्क्रैच कर देते, तो इसका जिम्मेदार कौन है, मैं या वो? तो उनके लिए मेरा मतलब ये प्रॉब्लम मैं फेस क्यों करूं दोस्तों? तो मैंने जब उनको बोला तो वो बोले कि ठीक ठीक कर देता हूँ सर, तो वो लोग कुछ ऐसा ब्रश वगैरह लिक्विड वगैरह लगा के ठीक तो कर दिए थे सर्विस सेंटर में स्क्रैच, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया। दूसरी बात एक बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक टाइम मेरा फर्स्ट सर्विस के टाइम पर, फर्स्ट सर्विस के टाइम पर मेरा जो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरा जो यहाँ पर ये एसी का बटन है, देखिए ये एसी का बटन, तो यहाँ पर कुछ लिक्विड यूज करने के वजह से ये बटन जो लाइट है जल रहा है ब्लू कलर के, देखिए ये खराब हो गया था। तो ये खराब होने के बाद मैं जब भी कंप्लेन करने गया कि मेरा ये कैसा क्यों हुआ, आपका मेरा ठीक था, आपके सर्विस के बाद से ही ये लाइट मतलब अप डाउन कर रहा है, मतलब कभी जल रहा है कभी ऑफ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा, तो हम लोग चेक कर लेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे। तो मैंने इसके लिए मुझे दोस्तों तकरीबन 3 से 4 महीना मतलब इसके लिए ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, और आखिर में वो लोग बोले कि मैं हम लोग चेंज कर देंगे। तो तब वो लोग मतलब इसको चेंज करने के लिए मुझे एक दिन फाइनली उन्होंने बोले कि हमारे जो आपका एसी का लाइट खराब हो गया, उसका जो लाइट का पार्ट से वो हम कंपनी के ओर से मंगवाया है और वो आ गया है, आप आकर चेंज कर लीजिए। तो मैंने गया, उन्होंने चेंज करने के नाम पे क्या किया दोस्तों पता है आपको? मैं दिखा देता हूँ आपको, नाम पे ये लाइट चेंज करने के लिए दोस्तों ये पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ता है, मतलब इसको खोल के इसको उठा के इसके अंदर ये वाला जो एसी का लाइट है इसको चेंज करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, एक कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है उनके पास, उन्होंने एक स्क्रू ड्राइवर हो या कुछ कुछ भी हो उस करके ऐसा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेरा ऐसा स्क्रैच कर दिया दोस्तों, यहाँ पर मेरा ऐसा स्क्रैच कर दिया। मैंने उनके सर्विस मैनेजर से बात किया ऐसा क्यों हुआ, तो वो लोग बोले ये भी चेंज कर देंगे सर। और मतलब मुझे गुस्सा तो तब आया जब जो सर्विस एडवाइजर थे, उनका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, वो जब मुझे बताया कि सर छोड़ दीजिए ये तो छोटा सा माइनर स्क्रैचेस है, इसको करने जाएंगे तो थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। अरे भाई तुम्हारा सर्विस सेंटर में ऐसा चीप क्वालिटी का मैकेनिक रखते ही क्यों, जो लोग ठीक तरह से काम नहीं आता, जिन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में दूसरा प्रॉब्लम ला देता है। तो मैं यही बोला हूँ कि ठीक है मुझे चेंज नहीं कर रहा है, इसको भी मैंने छोड़ दिया दोस्तों। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, महिंद्रा कंपनी को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, या फिर मुझे किसी को ये उकसाने का मतलब किसी के खिलाफ बताने का मतलब कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैंने जो फेस किया है वो आप सब तक पहुँचे ताकि आप ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करें। दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप हो सके शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले क्या करते हैं ये सारे मतलब जो सर्विस सेंटर होते हैं क्या करते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों मैंने फाइनली जो एक्सपेक्टेशन कभी नहीं किया था एक सर्विस सेंटर ओरिजिनल जेन्युइन सर्विस सेंटर से, वो ये है कि मैंने जब अपना कार थर्ड सर्विस के लिए शोरूम मतलब सर्विस सेंटर में कार को ले गए, मतलब इसका डेट मैं बता रहा हूँ, इसका डेट है 22 जून 2018,
जब मैंने कार को सर्विस, खार सर्विस मतलब फ्री सर्विस, लास्ट फ्री सर्विस के लिए ले गए, तो उन्होंने क्या चेंज होने वाला है क्या नहीं होने वाला है कुछ नहीं बताया, बस मेरा कार को जॉब कार्ड बना लिया और कार को अंदर ले गए। तो मैंने इस बार भी सेम प्रॉब्लम फेस किया दोस्तों। जब मैं शोरूम के अंदर मतलब सर्विस सेंटर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उनको साफ साफ ये भी बोला कि हाँ मुझे देखना है कि मेरे थर्ड सर्विस में कार के क्या क्या चेंज हो रहा है, तो उन्होंने बोला सेम बात दोस्तों कि आप जाइए वेटिंग रूम पर बैठिए, आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो मैंने इस बार कुछ नहीं बोला दोस्तों, कोई झमेला नहीं किया, मैंने सीधा चुपचाप वेटिंग रूम में चला आए। पूरी दिन मैंने वेटिंग रूम में वेट किए, फाइनली मुझे 5 बजे के आसपास मेरे कार को डिलीवरी मिला, मतलब सर्विस होने के बाद। सेकेंडली मैंने जो चीज़ नोटिस की है दोस्तों, यहाँ पर इस बिल में मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्यूल फिल्टर जिसका प्राइस है 255 रुपीज़ GST लगा के, तो ये थोड़ी एग्जैक्ट अमाउंट जो है GST VST लगा के 255 टोटल डिस्काउंट 12.7 लगा के टैक्सेबल वैल्यू जो कि 242.33 है। मतलब जो फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ है दोस्तों, तो फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ है दोस्तों, मैं घर में मतलब उन्होंने क्या किया, एक गलती कर दी उन्होंने, उन्होंने जो मतलब रिप जो होता है कि कार का जो पिछले वाला मतलब पहले वाला जो फ्यूल फिल्टर कंपनी के साथ प्रोवाइड किया जाता है कंपनी मतलब कार के अंदर, तो उसको चेंज करने के बाद शोरूम ऐसा करता है कि पुराने वाला चीज़ दे देता है। तो ये गलती उन्होंने इतना सोच समझ के नहीं किया, एक गलती कर दी उन्होंने, उन्होंने जो फ्यूल फिल्टर मुझे प्रोवाइड किए थे मतलब रिप्लेस वाला जो मतलब जो पहले था जो कि रिप्लेस करके चेंज कर दिया गया है, ऐसा वो बता रहा है, ऐसा वो दिखा रहा है। जो फ्यूल फिल्टर उन्होंने रिटर्न दिया है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर है, मैं दिखा देता हूँ, आप शौक हो जाएंगे, KUV 100 में स्कॉर्पियो पेट्रोल फ्यूल फिल्टर, हैरान की बात है दोस्तों, कंपनी आजकल KUV 100 के अंदर स्कॉर्पियो का फ्यूल फिल्टर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये वो बता रहा है कि ये वो फिल्टर है जो मेरे कार के अंदर था, उन्होंने चेंज किया, नया वाला लगाया और पुराना वाला मुझे दे दिया। तो मेरा KUV 100 में दोस्तों स्कॉर्पियो पेट्रोल फ्यूल फिल्टर कहाँ से आ सकता है दोस्तों, मुझे समझ में नहीं है। जब मैंने बताया है, जब मैंने उनसे पूछा फोन करके, तो उन्होंने बोला कि नहीं तो सर पेट्रोल फ्यूल फिल्टर जो होता है स्कॉर्पियो का जो फ्यूल फिल्टर है वही KUV 100 में होता है। तो मुझे ये बात थोड़ी सी खटकी और मैंने महिंद्रा में कॉल किया, तो जब उनको पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि KUV 100 का कार में महिंद्रा स्कॉर्पियो का पेट्रोल फ्यूल फिल्टर लगा दे, मतलब जब कार को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उन्होंने यही बोला कि स्कॉर्पियो का पेट्रोल फ्यूल फिल्टर महिंद्रा का KUV 100 कंपनी क्यों प्रोवाइड करेगा, कंपनी क्या लोकल कंपनी है ये तो ब्रांडेड कंपनी है। तो जब मैंने दूसरी बार वो सर्विस एडवाइज़र से पूछा कि ऐसा क्यों है कि स्कॉर्पियो का फ्यूल फिल्टर क्यों मुझे प्रोवाइड किया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है सर कि ऐसा कोई स्कॉर्पियो का फ्यूल फिल्टर वहाँ पर पड़ा रहेगा, वो आपको दे दिया। तो दोस्तों हैरान की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा फ्यूल फिल्टर चेंज ही नहीं किया, जो फ्यूल फिल्टर पहले से था वही है, मुझे मैं तो चेक करवाऊंगा ही उससे, मेरा जो मैकेनिक है पर्सनल उससे चेक करवाऊंगा कि चेंज किया है कि नहीं, लेकिन इसका लिए उसको मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही कीमती वक्त मैंने बर्बाद किया है उस सर्विस सेंटर में जाके, उन्होंने मतलब जो जितना बेवकूफ़ मुझे बनाया है दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि किसी और को ऐसा कोई सर्विस सेंटर बेवकूफ़ बनाए, KUV 100 में पेट्रोल फ्यूल फिल्टर दे देता है स्कॉर्पियो का, KUV 100 के लिए कंपनी ने कोई पेट्रोल फ्यूल फिल्टर नहीं निकाला इसलिए स्कॉर्पियो का कंपनी मैन्युफैक्चर के टाइम पर दे दिया, ये कोई विश्वास करने का तरीका है, ये चीज़ है दोस्तों, क्या ये आपको विश्वास होगी कि स्कॉर्पियो का फ्यूल फिल्टर पेट्रोल KUV 100 में दे दिया कंपनी ने। इसका मतलब साफ है दोस्तों, ये जो फ्यूल फिल्टर मतलब उन्होंने चेंज किया ये बिल में जिसका मतलब अमाउंट और 255 और टोटल करके डिस्काउंट देकर टैक्सेबल वैल्यू करके जो कि 242 जो अमाउंट उन्होंने यहाँ पर मेरे बिल में दिया है और मुझे जो अपने पॉकेट से देना पड़ा था, वाकई में ये चेंज हुआ या नहीं, नहीं हुआ दोस्तों, मुझे एब्सोल्युटली मैं बता रहा हूँ ये नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत लोगों को ये लोग सर्विस सेंटर लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि हमारे पैसा जो है हराम का पैसा है, वो जब भी चाहे ऐसा हमें बेवकूफ़ बनाए, नहीं दोस्तों, ऐसा बेवकूफ़ बनाने का राइट उनको कोई नहीं देता।
हमारा कार है, हमारा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हराम का पैसा है, वो जब भी चाहे ऐसा पैसा लूटे, कोई चेंज ना करके एक बेवकूफ बना दे और एक बिल को अंदर भर दे, फेक बिल भर दे, और जिसके लिए मुझे अमाउंट पे करना पड़े। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों? मेरा यही सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा केओवी होंडा वाला का पेट्रोल फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ तो मुझे रिटर्न में पुराना वाला केओवी होंडा वाला का पेट्रोल फ्यूल फिल्टर मिलता, स्कॉर्पियो का नहीं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कि सबसे मतलब एक घटिया बात, मैंने कार को सर्विस करने गया और वो लोग क्या किए, मेरे कार का जो पाडल लैंप है, मतलब केओवी होंडा वाला का, मैं दिखा देता हूं आपको, इस दरवाजे के नीचे जो पाडल लैंप है उसको तोड़ दिया, दिखा देता हूं, उसको तोड़ दिया, मतलब ऐसे तोड़ा, तोड़ के मतलब कुछ चीज से टेम्पररी लगा दिया वहां पे। उस वक्त तो नहीं खुला, मैं जो नहीं पता चला, मैं कार को लेकर घर आया, दूसरे दिन जब गैरेज में मैं कार को ओपन किया तो मैं देख रहा हूं मेरा पाडल लैंप ऐसे झोल रहा है, उसको मुझे ब्लैक टेप से लगाना पड़ा, मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, ये मेरा ड्राइवर सीट के नीचे का जो मतलब पाडल लैंप है, उन्होंने सर्विस के टाइम पर तोड़ दिया इसे, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। मैंने यहां पर ब्लैक टेप लगा के रखे, अब देखिए यहां पर ये देखिए, ये देखिए पूरा पूरा तोड़ दिया उन्होंने, ब्लैक टेप लगा के रखा हो दोस्तों। ऐसा हुआ कि जब मैंने गैरेज को सेकंड दिन खोला, ब्लैक टेप लगाने के लिए मैं मजबूर हो गया, क्योंकि पाडल लैंप जो है वो खोल के यहाँ ऐसे मतलब दरवाजा जो है बंद नहीं हो रहा था, मतलब मजबूरन मुझे ब्लैक टेप लगाना पड़ा। तो मैंने जब कॉल करके ऐसे बोले तो उन्होंने बोले नहीं तो सर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कि तो मैं ये खुद ही होऊंगा जो इस पाडल लैंप को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद आपको क्लेम कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब ऐसे बोले तो उन्होंने, उनका जो हेड है उनसे बात करने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोले कि सर आप फिक्र मत कीजिए, आपका जो पाडल लैंप है उनको हम चेंज कर देंगे। तो मैंने उनको यही बात बोला कि मेरा हराम का पैसा नहीं है कि हर दिन मुझे एक के बाद एक हर चीज़ के लिए मुझे जाना पड़े पेट्रोल ख़त्म करके, मुझे पेट्रोल भरने के लिए फ्री में तो नहीं देता मुझे पेट्रोल पम्प पेट्रोल, और मेरा जो टाइम वेस्ट कर रहा है उसका वैल्यू कौन देगा। तो उन्होंने बोला सर आना तो पड़ेगा ही, नहीं तो हम कैसे चेंज करें। तो हम उनको साफ बोल दिए कि अगर मेरे 7 दिन के अंदर आपके कार को मतलब आपके सर्विस सेंटर से कोई आदमी आकर मेरे पार्ट्स को चेंज ना कर दे तो मैं आपके अगेंस्ट में महिंद्रा में कंप्लेन करूंगा और कंज्यूमर कोर्ट तक भी जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ऐसे मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए, हम कर देंगे ऐसा करके 22 जून से अब आज 1 जुलाई हो गया दोस्तों, 1 हफ्ता ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। मैं और 2-3 दिन तक देखूंगा, उसके बाद ही मैं कंप्लेन करूंगा महिंद्रा में। तो मुझे हैरान इस बात का भी हो रहा है, मतलब एक सर्विस सेंटर जहां पर सर्विस करने के टाइम पे मेरा कार का पार्ट्स को तोड़ दिया, ऐसे कैसे मतलब तोड़ दिया, मैं फिर जाऊंगा फिर पैसा पे करूंगा उसके बाद उस एक्सेसरीज को खरीद के लगाऊंगा, नहीं दोस्तों नहीं। तो दोस्तों ओरिजिनल सर्विस सेंटर अगर ऐसा करेगा तो सर्विस सेंटर में जाने से भी डर लगता है। अब ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर बोलता है और काम ऐसे घटिया वाला करता है। तो दोस्तों मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो भी सारे मतलब ये जो सारे वर्स्ट एक्सपीरियंस था महिंद्रा की सर्विस सेंटर में, मैं महिंद्रा को इसके लिए दोष नहीं दूंगा, महिंद्रा का कोई गलती नहीं है इसमें, ये जो भी नेग्लिजेंस है वो उस सर्विस सेंटर का है। अगर आपके सर्विस सेंटर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि ये लोग आपके मतलब मतलब ध्यान अगर ना आए तो इस चीज़ का फायदा उठा सकता है, आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह बात महिंद्रा तक पहुँचे कि उनका सर्विस सेंटर क्या कर रहा है हम आम लोगों के साथ। तो दोस्तों मुझे यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, अगर फिर भी मैंने कुछ गलत बोल दिया इस वीडियो में मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबको, लेकिन मैं मजबूर होकर इस वीडियो को बनाया हूँ क्योंकि मैं काफ़ी महीनों से इस सर्विस सेंटर की ओर से बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं एक नया टॉपिक के साथ जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए